नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रजत त्रिपाठी आज आपको बताने जा रही हूँ ब्लश के बारे में कि आप किस तरह से ब्लश आपको लगाना है, कब लगाना है, वो भी क्रीम और ब्लश आता है जी एन बाई का, इसमें लिखा हुआ है ये क्रीमी ब्लश है ये। इसको आप ये इन्होंने लिक्विड फॉर्म में फॉर्मूला वैसे तो दिया हुआ है, ये देखिएगा इस तरह से एन बाई वे का है ये, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्या वाकई में अच्छा है ये मैं आपको इसको दिखाने वाली हूँ, किस तरह से यूज करना होता है ब्लश वो भी मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो जो बिगनर्स हैं और इस तरह के प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं अपने मेकअप में, बट होता क्या है ना, बहुत हाई फाई वीडियो जब हम देख लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इनका हम यूज कैसे करें नॉर्मल, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी फुल डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप अभी पहली बार है मेरे चैनल पर तो मैं रजत त्रिपाठी हूँ, मैं बहुत टाइम से पार्लर रन कर रही हूँ और यहाँ पे आपको पार्लर वर्क सिखाती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है आपको वो बताती हूँ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखना है आपको और शेयर जरूर करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी सारी ये जानकारी हो। और वो अगर आप प्रोफेशनल नहीं तो आप सेल्फ के लिए तो कर ही सकते हैं, तब भी हमें जानकारी चाहिए होती है, और प्रोफेशनल सीखना चाह रहे हैं तो आप सोने पर सुहागा है, बहुत ही अच्छी जगह आपने चैनल को ओपन करा हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब बात कर लेते हैं इस तरह की प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना स्किन केयर कर लेना है, CTM कर लेना है, आपको अपना क्लींजिंग टॉनिंग मॉइस्चराइजर कर लेना है, देन आपको कंसीलर भी कर सकते हैं, आप कंसीलिंग भी फेस पे कर लीजिएगा जैसे मैंने इस टाइम किया हुआ है। मैं जो हल्का फुल्का मेकअप कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने क्या किया हुआ है, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन देन हल्का सा कंसीलर किया हुआ है। अब मैं इसको यूज करने वाली हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं आपको खुद बता, अभी आप देखना और खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इसका रिजल्ट वाकई में अच्छा है। इसका नंबर जो है मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा 05 इसका नंबर है, और ये इस तरह से प्रोडक्ट इन्होंने दिया हुआ है, ब्लश ही है प्रॉपर ये। इसके पहले जो मैं क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रही थी वो लव अर्थ का था, जो मुझे रियलिटी में बहुत पसंद आता था, ये देखिएगा। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि आपको ब्यूटी ब्लेंड किसी भी एप्लीकेटर से इसको ब्लेंड कर देना है, मैंने इसको अब फिंगर से सेट करना चाहा तो आप देखिए मुझे वो मजा नहीं आया है, हल्का सा ही इसने कलर दिया है। बाकी आप बताएं आपको कैसा लग रहा है ये प्रोडक्ट, थोड़ा सा और लूंगी मैं। देन फिर फिंगर से आप थोड़ा ठीक है। तो प्रोडक्ट आप कोशिश करें, जब अच्छी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट लेंगे तभी आपके फेस पे समझ में आने वाला है, अदरवाइज समझ नहीं आने वाला है कि आपने ब्लश भी लगाया हुआ है, ये देखिएगा। अब ये मैंने लगा दिया है, अब इसके ऊपर आप चाहें तो फाउंडेशन लगा सकते हैं अगर आप अपने क्लाइंट को कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सेल्फ के लिए और गर्मियां हैं सीजन को ध्यान में रखते हुए सीधा इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर दूंगी। देखिए आप, कोई फर्क नहीं आया है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे, बट मेरा जो अच्छे से जो प्रोडक्ट था सेट हो चुका है, अब मुझे टेंशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट अपनी जगह से कहीं हट जाएगा। गाइस मैं इस तरह के बहुत छोटे छोटे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ, तो इनको देख के आप सीख सकें, जिनके पास कम से कम टाइम भी है वो वीडियो देखें, 4 से 5 मिनट का वीडियो देखें और आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं, अपना जो स्केल है उसमें आप लोग एकदम से परफेक्ट हो जाएं,
इसलिए मैं इस टाइप के छोटे छोटे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टाइम को लेके भी प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप और क्या सीखना चाह रहे हैं, मैं वो भी आपके लिए वीडियो शूट करके आपको दे दूंगी। क्योंकि मैं जो रियल वर्क है, मैं पार्लर में हूँ इस टाइम, जो मैं यूज करती हूँ, जिस तरह से चीजें करती हूँ, या मेरे क्लाइंट का जो रियल वर्क होता है, मैं वही आप तक पहुँचाती हूँ। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहे हैं, और हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और क्या देखना चाह रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वही शूट कर दूं। आप इस पे अब हाइलाइटर भी डाल सकते हैं, अपना जो भी मेकअप प्रोसेस आगे का है वो कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी इनफ है गर्मियों को ध्यान में रखते हुए। तो ये रहा मेरा लुक, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। डेली बेसिस के लिए गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ये परफेक्ट लुक है। तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आए, लाइक से जरूर कर दीजिएगा। स्किन को हेल्दी रखने के लिए पानी खूब सारा पीजिएगा, फल हरी सब्जियां खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, अपनी स्माइल को बरकरार रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।